अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज सितंबर की 6 तारीख है और आज मौसम विभाग की तरफ से अजमेर शरीफ में 12 घंटे की बारिश के अलर्ट था, तो उनमें से 2-3 घंटा बारिश हुई है, लेकिन 2 घंटा काफ़ी तेज़ हुई है और 1-1.5 घंटा करीबन छीटा वगैरह गिरा है। तो इस वजह से मैंने दिन की जो वीडियो है मैं लेके नहीं आ पाया, तो आपको मैंने वादा किया था शॉर्ट वीडियो में जो आपको मैं बारिश रुकने के बाद दरगाह शरीफ ज़ियारत करवाऊंगा और माहौल भी दिखाऊंगा। तो आइए, अभी शाम को 7 बज रहा है, तो आपको अभी माहौल दिखाएंगे, दरगाह शरीफ ज़ियारत भी करवाएंगे और अंदर की का माहौल वो भी दिखाएंगे, पहले बाहर से दिखाएंगे। तो चलिए कैमरा घुमाते हैं, पहले बाहर की माहौल दिखाते हैं आज माहौल कैसा है, फिर आपको ले चलेंगे दरगाह शरीफ के अंदर। तो बने रहिए आप लोग, वीडियो पूरा देखिए, आज बारिश का माहौल कैसा है अजमेर शरीफ में देख लीजिए और सारी बातें हम आपको करते हैं बैक कैमरा से। जी बना रही है आप लोग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये देखिए रात का माहौल दरगाह शरीफ का, अभी मैं बाहर का माहौल दिखा रहा हूँ दरगाह बाज़ार की। आज मैंने आपको दिन का जो वीडियो मैं लेके नहीं आ पाया था लॉन्ग वीडियो, तो अभी मैं शाम को बना रहा हूँ। अभी 7:30 बज रहा है, शाम 7:30 हो रही है और ये दरगाह बाज़ार की माहौल देख लीजिए। और आज पूरा दिन बारिश का माहौल था, मौसम विभाग की तरफ से 12 घंटा बारिश का अलर्ट था, तो उनमें से आपको करीबन 3-4 घंटा बारिश हुई है। तो मैंने दिन में लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाया था, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको बारिश रुकने के बाद लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह आइए अभी देखिए ये दरगाह बाज़ार की माहौल, अभी शाम को 7 बज रहा है, कितना भीड़ हो रहा है देख सकते हो। और अभी बारिश बिल्कुल रुका हुआ है और आसमान में बादल है, कभी भी बारिश हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। आज 12 घंटे का बारिश अलाउड था। तो देखिए माशाल्लाह अभी ये दरगाह बाज़ार की माहौल कैसा है। और आज सुबह 8:30 बजे बारिश शुरू हो गई थी और करीबन 10-10:30 बजे तक तेज़ बारिश गिरी, उसके बाद छीटा वीटा गिरता रहा था और जुम्मे के जमात के वक्त भी छीटा बारिश गिर रहा था। तो ये देखिए माशाल्लाह अभी दरगाह बाज़ार की मंजर माशाल्लाह कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना भीड़ है देखिए। और रबीउल अव्वल की चांद की आज 3 तारीख का शब्द लग चुका है। तो देखिए आज का माहौल माशाल्लाह, आज जुम्मे का दिन है तो आप सबको जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक है। जुम्मा ख़त्म हो चुका, मतलब मगरिब के बाद जुम्मे के दिन ख़त्म हो होता है इस्लाम के हिसाब से। तो फिर भी मैंने आपको जुम्मे का बहुत मुबारकबाद पेश किया हूँ, क्योंकि दिन के लॉन्ग वीडियो मैं लेके नहीं आ पाया था इसलिए, तो माफ़ कीजिएगा, जब भी गलती है आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। तो अभी आप माहौल देख लीजिए बारिश के बाद शाम का माहौल है, देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो दरगाह बाज़ार में आगे और नहीं जाएंगे, आप यहाँ से देख लीजिए दूर दूर तक। चलिए कैमरा घुमाते और वापस ले चलते आपको दरगाह शरीफ के अंदर। सुभान अल्लाह, ये देखिए दरगाह शरीफ का मेन गेट, और इसी मेन गेट से अंदर चलेंगे और दरगाह शरीफ भी आपको ज़ियारत करवाएंगे और अंदर की क्या माहौल आज वो भी आपको दिखाएंगे। बना रही है वीडियो पूरा देखिए आप लोग। तो मतलब आज पूरा दिन जो है बारिश का माहौल था अजमेर शरीफ में, 2-3 घंटा करीबन तेज़ बारिश हुई है। तो तेज़ बारिश होने के बाद आपको आनासागर जो है, आनासागर में बारिश भर गया, बारिश माफ कीजिए पानी भर गया, बारिश के पानी से आनासागर भर चुका है। और आनासागर के आसपास की जो भी बावड़ी है, आनासागर आसपास में जो भी नाली वगैरह है वो भर चुका है और रोड में तक पानी चढ़ गया है। तो वो वीडियो मैं लेके नहीं आ पाया, क्योंकि अगर वो वीडियो लेके आऊँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। तो आनासागर के आसपास जो भी रोड है, जब भी कॉलोनी वगैरह है, वहाँ पर थोड़ा सा पानी वानी जमा हुआ है, लेकिन दरगाह के आसपास में कोई पानी जमा नहीं, बिल्कुल क्लियर है, देख सकते हो। मैं दरगाह बाज़ार घूम रहा हूँ अभी, तो देखिए अभी दरगाह के आसपास में कोई पानी कहीं जमा नहीं हुई है, बिल्कुल क्लियर है। और तेज़ बारिश होने के बाद आनासागर भर चुका है और आनासागर के आसपास जो भी रोड है, नाली वगैरह है, वहाँ भी थोड़ा बहुत पानी जम गया है और आने जाने वाला ट्रैफिक है, थोड़ा परेशानी हुई थी दिन में, तो वो सब ठीक हो गया है। अभी कोई मसला ऐसा नहीं है जो पानी, बारिश का पानी जमा हुआ या बाढ़ आया, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्लियर है, आप लोग देख सकते हो। और आज रबीउल अव्वल की 3 तारीख का शब लग चुका है, तो मैं अभी देखिए बिल्कुल धीरे धीरे मेन गेट के पास आ रहा हूँ। ये देखिए मेन गेट के पास के मंजर कैसे, कितना भीड़ है, पब्लिक कैसे देख सकते हो। अभी शाम का टाइम है, आज दिन का लॉन्ग वीडियो मैंने अभी शाम को लेके आ रहा हूँ, देखिए आप लोग, देखो कितना बड़ा गाय यहाँ सो रहा है, पब्लिक का बीच में रोड में आराम कर रहा है, देख सकते हो आप लोग माशाल्लाह। मेन गेट के सामने ये देखिए एक गाय है, ये कितना कुंडल वजन होगा आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। तो चलिए देखिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे मेन गेट के पास आ रहा हूँ और आप लोग देखते रहिए आज का माहौल कैसा है, भीड़ कितना है। अभी शाम का टाइम 7:30 बज रहा है और अभी बिल्कुल बारिश रुका हुआ, बारिश नहीं है अभी बिल्कुल,
देखिए हमारे कोई अफसर ज़ियारत के लिए आया था, वो भी ज़ियारत करके जा रहे हैं। गाड़ी देख सकते हैं आप लोग, देखिए किसी अफसर की गाड़ी है, एसवी शॉप था। ये देखिए मेन गेट, ये देखिए माशाल्लाह मेन गेट से किस तरह जाइन अंदर दाखिल हो रहा है। और आज भीड़ भी बहुत है, जुम्मे का दिन था तो टाइम लगेंगे, आज वीडियो भी लंबा हो जाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ये देखिए तारागढ़ ढाजिंग झोपड़ा जाने वाला रास्ते के मंदिर देखिए। अभी और ये देखिए नाला बाजार की मंदिर, रेलवे स्टेशन जाने जाने का रास्ता जो है। चलिए आप मेन गेट से चलते हैं अंदर, ये देखिए मेन गेट का माहौल, मेन गेट का भीड़ देख लीजिए आप लोग। चलिए मेन गेट से आपको अंदर लेके चलते हैं। सुभान अल्लाह, ये देखिए मैंने मेन गेट से अंदर दाखिल हो गया हूँ, और अंदर की माहौल आप लोग देखिए, देखिए माशाल्लाह ये देखिए बुलंद दरवाजा, और सब बुलंद दरवाजे के ऊपर आसपास में सब लाइट लगा रहा है, क्योंकि ये 12 बज का महीना है, रेलवे लेवल की महीना है, बहुत अच्छा सजाया जाता है। देखिए इस महीने में हमारी नूर आई थी, और ये देखिए इधर देखिए अकबरी मस्जिद, और इधर देखिए बाहर से आने जाने का 2 नंबर गेट। तो जो मैं आपको दिन में दिखाता हूँ अभी आपको शाम को दिखा रहा हूँ, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था, आज जुम्मे का दिन भी था और बारिश भी हुई तेज, इस वजह से अभी देखिए सब डेकोरेशन के काम चालू है, लाइट वगैरह लगा रहा है। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह ये छोटी देखो ऊपर का मंजर देख लीजिए आप लोग, काफ़ी क्राउड हो रहा है यहाँ पर, खड़ा होना मुश्किल है। छोटी देख, और यहाँ से देखिए आप बाबा की गुंबद माशाल्लाह ज़ियारत कीजिए। देखिए आज रात का व्यू कैसे लग रहा है, और जब ये 12 बज के महीने का जो सजावट हो रहा है सजाने के बाद, लाइट जलने के बाद कैसे लगेगा वो भी आपको हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये देखिए बड़ी देख का मंजर, और ये देखिए बुलंद दरवाजा, ये देखिए सब लाइट लगाया है, अभी जल नहीं रहा, जब जलेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन मंजर रहेगा, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा मुकम्मल इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो बाहर से आने जाने का 3 नंबर गेट लंगर खाने गेट, और अभी शाम का टाइम लंगर बांट रहा है, तो लंगर लेने के लिए लोग कतार पे है, देख सकते हो। ये धुंधला लग रहा है, जूम कर रहा हूँ इसलिए, आज नाइट है ना इसलिए रात का वीडियो में थोड़ा तो धुंधला लगता है जब लाइट पड़ता है। ये देखिए वजू खाने की मंजर का, इस तरह लोग वजू बना रहे, देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, जैसे मैंने दिन में दिखाता हूँ ऐसे सेम दिखाएंगे आपको, शाहजहानी मस्जिद में आखिरी करेंगे वीडियो। आइए देखिए अहमद के दरबार शरीफ ज़ियारत कीजिए आप लोग, और ये देखिए शंदली मस्जिद, अभी यहाँ पर 8 बजे ईशा की अजान होगा, 8:30 बजे करीब पर यहाँ पर जमात खड़ा हो जाएगा, तो उससे पहले मैं आपका माहौल दिखाना चाहता हूँ, मंजर दिखाना चाहता हूँ, दरगाह से ज़ियारत करवाना चाहते हैं हम, देख लीजिए ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए। आज जुम्मे का दिन था, मगरिब बाद दिन चेंज होता है इस्लामिक हिसाब से, तो उस हिसाब से था जो सैटरडे लग गया, उन्हें शनिचर लग गया, हफ्ते का दिन लग गया। आइए मैंने आताई नूर में लिखा है माशाल्लाह, आताई नूर का मंजर देखिए, ये देखिए गुंबद शरीफ ज़ियारत कीजिए पहले, देखिए माशाल्लाह रात का नज़ारा कितना बेहतरीन। ये देखिए पूरा आताई नूर का मंजर देखिए माशाल्लाह, आप लोग कहाँ पर कितने जरने देख लीजिए, किस तरह लोग ज़ियारत कर रहा है। आइए अभी आप आताई नूर से आस्था शरीफ ज़ियारत कीजिए, और आस्था शरीफ में आज मेन गेट पे कितना लंबा चौड़ा लाइन है, आप देख लीजिए यहाँ से लाइन है, पर आइए मैं जूम करके वो दिखाता हूँ, थोड़ा ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए आप लोग, फिर आगे चलेंगे। देखिए आगे जो भी कतार में है जायरीन, जो हाइट से लंबा है इसलिए रास्ते से देख नहीं रहा है, फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
चलिए आगे चलते हैं। तो दिन का वीडियो मेरा रात का आ गया, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और आगे से आगे इस वीडियो को पहुँचाइए आप लोग, ताकि और भी लोग देख सकें आज का माहौल कैसे है, बारिश का माहौल और जुम्मे का बाद कैसे माहौल है, देख लीजिए आप लोग और दूसरों को भी आप लोग दिखाइए शेयर के जरिए से, मतलब शेयर कीजिए वीडियो को आगे से आगे पहुँचाइए, ताकि और भी लोग देख लेंगे आपके जरिए से और उनको भी ज़ियारत हो जाएंगे जुम्मे के बाद। और जुम्मे के दिन आज से सितंबर का दिन था और आज बारिश का भी माहौल था, और बारिश के बाद कैसे माहौल बन चुका है, और चांद की आज तीसरा तारीख के सब लग चुका है रबीउल अव्वल की, यानी 12 बात की महीने की ईद मिलादुन्नबी की महीना है। इस महीने पे नूर आया था, नूर वाला महीना पे माहौल देख लीजिए, शाम का माहौल है देख लीजिए माशाल्लाह माहौल देखिए आप, खसाखस पब्लिक हो रहा है देखिए आप लोग। पायती में लेके आए हूँ पावती, एक थोड़ा गुंबद ज़ियारत की, फिर आगे चलेंगे। तो माशाल्लाह एक बार मैं घुमा देता हूँ पूरा पायती, आप लोग देख लीजिए कहाँ पर कितना जैन है, कैसे लोग बैठ के खड़ा होकर दुआएं मांग रहा, सेल्फी वगैरह ले रहा है, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। आज जुम्मे के शाम का लाइव वीडियो है, चलने का रास्ता नहीं है, इतना भीड़ है, यहाँ पर कवाली भी चल रहा है, पूरा पायती में जैन बैठा हुआ देख सकते आप लोग, कैसा कैसा भीड़ हो रहा है, चलने फिरने का रास्ता भी नहीं है देखिए, इस वजह से वीडियो लंबा हो जाएंगे आज। और पायदी में तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, देखिए इतना भीड़ है, देख लोग कवाली सुन रहे थे कि पूरा कवाली का माहौल है यहाँ पर, ये देख लीजिए। फिर भी मैं चलता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको पायदी से रास्ता से दिखाने का, थोड़ा रास्ता दीजिए, रास्ता मांगना पड़ रहा है क्योंकि इतना भीड़ है आज माशाल्लाह, ऐसे लग रहा है कि बाबा का उर्स चल रहा है, सुभान अल्लाह क्या बेहतरीन मंजर है। पायती में आ रहा हूँ लेकिन यहाँ से खड़ा हो गया, आपको आपको सिर्फ दिखाऊँ वो मौका नहीं मिल रहा मेरे को, मैं कोशिश कर रहा हूँ उधर जाने का, चलते चलते मैं दिखाएंगे जहाँ तक हो सके, आप लोग देख लीजिए दुआएं मांग लीजिए, आई फिर यहाँ खड़ा होने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए माशाल्लाह पायती शास्त्र से दिखे जरूरत है, दुआएं मांग लीजिए, माहौल देख लीजिए, चलिए माशाल्लाह काफ़ी टाइम मिला है आगे चलते हैं। चक्का शरीफ लेके जा रहा है, चढ़ाएंगे वीआईपी घर से लेके चल रहे हैं, देखिए चलो माशाल्लाह अच्छा टाइम मिला, मैंने दिखा दिया भीड़ के अंदर भी जो टाइम मिला माशाल्लाह अच्छा टाइम मिला, ये गरीब नवाज़ की करम है जो टाइम दिया अस्त शरीफ दिखाने का, पायती से आप लोग देखा होगा ज़ियारत भी किए होंगे, गुम्बद भी ज़ियारत की, तो आप यहाँ से आस्ते से 3 नंबर गेट जियारत की जरिए किस तरह लोग चादर पुल लेते हुए जा रहे हैं अंदर, सब चढ़ाएंगे पेश करेंगे और अपनी जो भी इरादा है पूरा करेंगे इंशाल्लाह। देखिए चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए माशाल्लाह किस तरह माहौल हो रहा है, भीड़ कैसे हो रहा है देखिए आप, और पूरा रबीउल अव्वल महीना यानी ईद मिलादुन्नबी का जो महीना है पूरा महीना इंशाल्लाह इस तरह चलते रहेंगे, और 12 तारीख को तो और ज़्यादा क्राउड होगा, यहाँ पर जुलूस भी निकलता है बाहर दरगाह की, बाहर जुलूस की भी माहौल रहता है 12 तारीख को। ये देखिए माशाल्लाह अभी मैंने आपको जन्नती दरवाजा में ले गया, जन्नती दरवाजा आप लोग ज़ियारत कीजिए और यहाँ के माहौल भी आप लोग देख लीजिए, चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए किस तरह लोग जन्नती दरवाजा ज़ियारत कर रहे हैं। आइए तो अभी आप आस्था शरीफ को 4 नंबर गेट ज़ियारत कीजिए, जिस गेट से आप ज़ियारत करके बाहर आते हैं इस गेट को भी ज़ियारत कीजिए, आज यहाँ के मंजर भी देख लीजिए आप लोग, माशाल्लाह लोग किस तरह ज़ियारत करके बाहर आ रहा है देखिए आप लोग, चलिए आगे चलते हैं इस गेट के आसपास की मंजर देख लीजिए, चलिए आप चलते शाहजनी मस्जिद के अंदर,
सुभान अल्लाह, ये आ गया मैं शाहजहानी मस्जिद के अंदर। तो देखिए अभी शाहजहानी मस्जिद के अंदर इस वक्त कितना ज़ायरीन है, कैसे लोग बैठे हुए हैं, कैसे दुआएं मांग रहे हैं, लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। उम्मत की तरफ से देख लीजिए आप लोग। और अभी थोड़ी देर बाद ईशा की अजान भी होगा। आइए सुभान अल्लाह, ये देखिए बाबा फरीद शेख को चिल्ला शरीफ आप लोग जियारत कीजिए। ये आस्था शेख को चार नंबर गेट के साथ साथ बाबा फरीद शेख को चिल्ला शरीफ भी है और रामजन के दरबार शरीफ भी है आगे की तरफ से। ये देखिए इधर से मशक ढाला जाता है और ये बाबा फरीद शेख को चिल्ला शरीफ और इधर ये आस्था शेख को चार नंबर गेट जियारत करके बाहर आने का गेट और आगे ये जन्नती दरवाज़ा। ये मैंने पूरा आपको दिखा रहा हूँ दोबारा। देखिए देखिए माहौल कैसा है माशाल्लाह, आज देख लीजिए आप लोग। ये देखिए सुभान अल्लाह, तो माशाल्लाह पूरी मुकम्मल वीडियो दिखाने का मौका मिल गया इंशाल्लाह। पूरी मुकम्मल वीडियो मैंने बना लिया हूँ, तो माशाल्लाह आप लोग पूरा मुकम्मल ज़ियारत कीजिए। तो इसी वीडियो में हम यहीं तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हुजूर गरीब नमाज की हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो।